Dear students, today again we are here in our e-lecture. I, Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. So, as in last class, we are discussing about mechanism of fertilization. Mechanism means kriya vidhi, fertilization ki kriya vidhi ke baare mein hum baat kar rahe the. और इसमें थोड़ा सा जस्ट रिवाइव कर रहा हूँ आपको, ताकि आप पकड़ सकें उसके अंदर, क्योंकि मैंने जैसा बताया था बच्चों को कि इसको समझने के लिए हमने इनको पांच पार्ट में बांटा था. फर्स्ट वाज अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी स्पर्म का ओवम तक पहुँचना. फिर कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, वो उसके नज़दीक पहुंचना और उससे कांटेक्ट होना, मतलब. और फिर थर्ड जो था दैट वाज एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, जिसमें बताया था एक्रोसोम जो एपिकल पार्ट ऑफ द स्पर्म जो होता है और उसका कैसे मतलब वो एक्ट करता है, वो दो वे तरीके से बताया था, दो वेज में, दैट वाज मैकेनिकल एंड केमिकल. और फिर उनका पेनिट्रेट कैसे करता है विद इन द ओवा, और फिर उसके बाद जायगोट बनता है. लेकिन उसके पहले हमने इसकी इसमें और हमने एक और पॉइंट बताया था, दैट वाज एक्टिवेशन ऑफ एग, कि वो किस तरीके से एक्टिवेट करेगा. जैसे हम कोई भी रिएक्शन की बात करते हैं कि उसको पहले एक्टिवेट हो, तो वो यहाँ पर है एक्टिवेशन ऑफ एग. फिर लास्टली जो है दैट इज़ फ्यूज़न ऑफ प्रो न्यूक्लियाई, क्योंकि जो दोनों के न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और वो फिर जायगोट बनेगा. तो ये जो हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है अप टू एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन तक हमने बात कर ली थी. अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं, दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ एग. एक्टिवेशन ऑफ एग, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि दैट इज़ कलर चेंजेस जो है उसके अंदर हुए, या उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, ये कुछ इस तरीके से बन जाए. तो इसको भी हमने चार पार्ट में जो बात करी है कि कलर चेंजेस या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, एंड दैट नेक्स्ट इज अर्ली चेंजेस आफ्टर स्पर्म फ्यूज़न, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड मेटाबॉलिक एक्टिवेशन. क्योंकि जो भी क्रिया होगी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक हो. तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे वो था कि एक बाय वन बाय वन हम समझें, तो कलर चेंजेस जो एग की जो येलो सर्फ जो येलो जो सरफेस से वाइट रंग की हो जाती है, क्योंकि जैसे ही एक्टिव स्पर्म के जैसे ही ये कॉन्टेक्ट में आता है, तो आने के बाद इसके अंदर लिपिड का जो है वो होमोजीनियस वो उसका वितरण हो जाता है. और जो ये रंग परिवर्तन की घटना है, मतलब कलर चेंजेस की जो घटना है, ये स्पर्म के संपर्क स्थल से प्रारंभ होती है. जो भी जहाँ से स्पर्म जो है वो सीधा टच करेगा, वहाँ से ये स्टार्ट होता है. फिर नेक्स्ट है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन. तो एक्रोसोम के जो फाइबर्स हैं, जैसे ही अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आते हैं, तो अंडे का जो साइटोप्लाज्म है वो स्पर्म के जो एक्टिवेशन जो पॉइंट है कि और ये कोई इस तरीके से कोन रूपी जो है कौन सा कुछ उभार बना देता है, जिसे हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन कोन. इसका आकार जो है वो कोन लाइक, या हिंदी में आप कहें तो शंकु के समान जो है वो बन जाता है. तो ये उस शंकु जो है या कोन जो है वो शुक्राणु या जो हमने स्पर्म कह रहे हैं वो पूरी तरीके से उसको अंदर की तरफ ले लेता है या निगल जाता है. तो इसमें वैसे पूरी पूरा यदि हम बात करें तो स्पर्म जो है वो पूरा जो है पूरा एग में प्रवेश नहीं करता है, पूरा तरीके से अंदर नहीं जाता है, बल्कि इसका जो न्यूक्लियस है, पेरी एक्रोसोमल पदार्थ हैं, या जो उसके जो नियर बाई जो है
जो माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि वो ही उसके अंदर प्रवेश करते हैं। फिर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज़ इसको मैं कर दें अर्ली चेंजेस जो हैं, हम बात कर रहे हैं कि अर्ली जो इसके अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं वो इसके अंदर क्या क्या आफ्टर स्पर्म फ्यूज़न जो है वो क्या क्या होंगे, इसमें कॉर्टिकल रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर जो अर्ली चेंजेस आफ्टर, पहले इसके पहले हम जो बात कर रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं अर्ली चेंजेस आफ्टर स्पर्म फ्यूज़न, तो इसके अंदर स्पर्म के जो दोनों आपस में जो फ्यूज़ हो जाते हैं उसके विद इन 3 सेकेंड उसके अंदर एग के चारों ओर जो है एक मेम्ब्रेन जो हो जाती है उनके अंदर पोल्स जनरेट हो जाता है। ये जो है कैल्शियम आयन और उनकी जो है कंसंट्रेशन जो है वो इसके अंदर कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये इसमें रिएक्शन जो चालू होता है इसके अंदर एक्रोस इसके स्पर्म के जो कांटेक्ट पॉइंट जो है वहाँ पर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। उसके चारों ओर एक वेव लाइक जो है वो उसके अंदर, लाइक हम यूँ जो बात करें कि यदि स्पर्म यदि इस तरीके से आया और एग के चारों ओर आया तो वो कुछ वेव लाइक, मतलब हम जो बात करें कि वो वेव सी जो है फॉर्म करना स्टार्ट करेगा और वो वहाँ पर जो जितनी भी कॉर्टिकल जो हम ये कुछ हैं कुछ डिब्रीज हैं या कुछ मतलब कणिकाएं जो कहें उनको बहुत स्पष्ट कहें, तो वो जो हैं वो सारी की सारी वो फ्री हो जाएंगी तो वो एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगी। फिर जो कॉर्टिकल, क्योंकि जो बिल्कुल कॉर्टिकल जो उसके बाहर की तरफ जो बाद है कॉर्टिकल कणिकाएं जो हैं वो अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो जैसे हमने इसकी जो यदि हम एग की जो बात कर रहे हैं इसकी मेम्ब्रेन के साथ वो यहाँ पर उसके साथ फ्यूज़ हो जाएंगी। यहाँ पर हम जो बात करें तो वो इसके अंदर फ्यूज़ हो जाएंगी। फिर कॉर्टिकल जो जो सारी की सारी जो कणिकाएं हैं या बहुत बारीक बारीक जो हैं वो सारे के सारे उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, वो एंजाइम अंडे को पूरी तरीके से प्लस जो भी उसका डॉर्सल पार्ट है या मतलब जो एपिक बाहर की तरफ वाला जो पार्ट है उस पे ये जो स्पर्म जो यहाँ पर आ रहा है वो उसको यहाँ पर वो जो है ग्लाइकोप्रोटीन को उसमें कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करने से ताकि जैसे ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ आ जाएंगे तो दूसरे जो भी स्पर्म्स जो यहाँ पर नियर बाई हैं इसके उनको जाने से वो रोक देगा। यानी हम मतलब नेचर ने इतना बढ़िया सिस्टम है कि जो सिर्फ एक जो स्पर्म है वो फ्यूज़ कर सके बाकी को वो रोक दे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये इसके अंदर रिएक्शन जो है कॉर्टिकल रिएक्शन और फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, तो इस तरीके बनता है। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं या कणिकाएं हैं एक एडिशनल एंजाइम जो है दैट इज परऑक्सीडेज ए विटेलाइन मेम्ब्रेन के प्रोटीन के टायरोसिन सिरों को बॉन्ड बनाते हैं, क्रॉस बॉन्ड बनाते हैं। मतलब यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब आपके समझ में आ सके कि उनने जो बॉन्ड बनाया तो वो इससे विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ दिस एग वो पूरी तरीके से थिक हो जाएगी। इससे इसको जो जो थिकनेस जो बनी पूरी इसकी जो मैं पेंसिल से अभी बना रहा हूँ तो ये थिकंड जो बन गई दैट इज इनफैक्ट जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन यानी निषेचन झिल्ली का फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने ये बात कर ली। फिर इसके अलावा इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक उसको आप समझते हैं, मेटाबॉलिज्म के 2 मीनिंग हैं मतलब कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसाइज और वापस से उनको ब्रेक डाउन, तो दोनों ये घटनाएं यहाँ पर होंगी। तो इसके अंदर जो है इंक्रीज ऑफ ये यहाँ पर पॉइंट्स में उसमें हमने बात कही मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर इंक्रीज इन
O2 कंजम्पशन यानी ऑक्सीजन का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाएगा, दूसरा इसके अंदर यानी O2 का कंजम्पशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और जो मैंने कहा क्योंकि इट इज़ ए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो उसके अंदर ब्रेकडाउन या सिंथेसाइज बोथ हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो उनका ब्रेकडाउन होता है, वो मतलब उनका ब्रेकडाउन होगा, वो टूटेंगे। इसके अलावा इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन है प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा परमेबिलिटी चेंजेस भी होंगे इसके अंदर, मेबिलिटी इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें परमेबिलिटी काफ़ी मतलब जो है उनके लिए पानी मतलब H2O फॉस्फेट पोटेशियम इथाइलिन ग्लाइकोल इनके लिए तो बढ़ जाती है, साथ ही प्लाज्मा की जो एडेनिल साइक्लेज एंजाइम जो है वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि AMP का वो कराएगा, मोनोफॉस्फेट को वो जो है बनाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल की हो गया, लेकिन ये बेसिक आपको मालूम हो इसलिए मैंने इसकी बात करी। इसके साथ साथ कोएंजाइम्स जो आयनिक चेंजेस भी होंगे इसके अंदर, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम जो है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इनका कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोएंजाइम चेंजेस जो है कोएंजाइम वो भी इसके अंदर चेंज होंगे। फिर जो हमने ये सारी की सारी जो हमने बात करी वो रिगार्डिंग इसके हमने बात करी एक्टिवेशन ऑफ एक्ट के अंदर ये सारी की सारी होंगी, तो आप जस्ट पॉइंट की उसमें कलर चेंजेस फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन अर्ली चेंजेस आफ्टर स्पर्म फ्यूजन ये होगा, फिर कॉर्टिकल रिएक्शंस होंगे जो बिल्कुल उसकी पेरीफरी पे जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इनकी पेरीफरी जो इस पर जो है ये बात करने की यहाँ यहाँ क्या क्या चेंजेस होंगे, और इसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिवेट होगा, मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर चाहे वो पोटेशियम या परमेबिलिटी है या प्रोटीन सिंथेसिस है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो सब बढ़ते चले जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स प्रो न्यूक्लियाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरा जो सब कुछ बात हो रही है फर्टिलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन इनफैक्ट है क्या, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो बेसिकली दो जो प्रो न्यूक्लियाई हैं उन दोनों का फ्यूज़न होना है, ठीक है। तो जो ये प्रो न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये जो है यानी जैसे ही स्पर्म के कॉन्टैक्ट में जो आया एग और उसने पेनिट्रेट किया और अंडे के एक्टिवेट करने के पश्चात वो अंडे के कोशिका जो हम जो बात कर रहे हैं कि यदि एग जो है पूरा उसके अंदर वो जैसे ही आया और वो यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे जो उसका एक न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस से वहाँ पर आके फ्यूज़ करेगा, दैट इज़ इनफैक्ट जो हम जो बात करें कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बेसिकली गैमेटिक मटेरियल का होना है। तो यहाँ पर इसके अंदर इसके एग के साइटोप्लाज्म में वो एंटर कर जाता है, तो इसके अंदर जो स्पर्म जो जैसे ही जो आया वो इसका टेल पोर्शन वो एग के बाहर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो ये है कि शुक्राणु की पूंछ जो बाहर ही रह गई, इसके बाद जैसे ही इसको हम एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे ये यहाँ पर ये एग है इसके अंदर इसका पेनिट्रेशन पाथ जो है जैसे यहाँ से आ रहा है यू एरो में हम बात करें कि दिस इज़ पेनिट्रेशन पाथ, तो यहाँ से और इस जगह उसका न्यूक्लियस है एग का, तो यहाँ से यहाँ तक अब ये यहाँ तक तो इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तो दैट इज कॉपुलेट जो करेगा तो इसको हमने कहा है दैट इज कॉपुलेशन पाथ, ठीक है। कॉपुलेट यानी दोनों संलयित हो रहे हैं, और जब जैसे ये फ्यूज़ हो जाएगा इसके बाद ये जो है
क्लीवेज के लिए चला जाएगा, मतलब आगे जो मैंने बात करी विदलन के लिए, जिससे कि नए एनिमल का जो भी डिवीजन जो चालू होगा उसके अंदर क्लीवेज होगा, फिर मोरूला बनेगा, ब्लेस्टुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा। तो ये हमने तीन बात करी कि फर्स्ट जो है पेनिट्रेशन पार्ट, सेकंड जो है कॉपुलेशन पार्ट, और थर्ड जो है वो उसके अंदर क्लीवेज पार्ट। तो जैसे ही यहाँ पर फिर एक और इसको इससे यदि समझ में नहीं आ रहा है, यूँ यदि हम बात करें कि यहाँ पर ये वही एग मैंने बनाया, इसके अंदर यदि ये फीमेल की हम बात करें और ये मेल का यहाँ से आया और ये मेल है, ये जैसे आपने बॉटनी पढ़ते हैं साइंस से, तो यहाँ पर जो दोनों इनकी जो तारक बॉडी हैं या हमने जो बात कर रहे हैं जो स्पिनल फाइबर जो बनते हैं, तो वो इसके अंदर यहाँ से ये दो पोल्स यहाँ से इधर की तरफ यूँ बन गए हैं। और फिर उसके अंदर जैसे ही यहाँ से इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर यदि हम बात करें, तो ये फिर यहाँ से आप समझें कि यहाँ पर जो दोनों पोलर बॉडी, तो यहाँ पर दोनों हैं, दोनों पोल्स अलग अलग जगह हैं, यहाँ पर बीच में ये जो है ये बेसिकली दोनों का न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बेसिकली फ्यूज़न ऑफ प्रो न्यूक्लियाई होगा और यहाँ दोनों पोल होंगे। इसके बाद जैसे यहाँ हो गया, इससे ये फिर आगे की तरफ इसके अंदर डिवीज़न होते चले जाएंगे। तो ये हमने यहाँ बात करी पूरी। तो और फिर इसके बाद इसमें तो यानी पेनिट्रेशन पाथ, कॉपुलेशन पाथ, क्लीवेज पाथ जो बने, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, न्यू आउटर लेयर जो है उसके चारों ओर फॉर्म हो जाएगी, और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो चारों ओर फॉर्म हो जाएगी उससे फिर ये जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फिर इसकी बायोकेमिस्ट्री जो है वो मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, ये सारी की बातें आती हैं, ये हायर क्लासेस के अंदर आएंगी। तो यहाँ तक की जो हम बात कहना चाह रहे हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री जो हम बात करें कि जाइगोट यहाँ तक बन गया, फिर बायोकेमिस्ट्री ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफॉर्म प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, ये यहाँ तक ये जो इतना डिटेल जो स्टडी है ये आपके हायर क्लासेस के अंदर आएगा MSc में यहाँ की। इस यहाँ तक की हमने जो बात कर ली, इससे नेक्स्ट में जो हम बात जो क्लास लेंगे, आज यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इस पर भी बात कर सकते हैं, मतलब इस पर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जो आपकी क्लासेस जो हैं उन क्लास में भी डाला है हमने, तो वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इसके यहाँ तक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने दिमाग में आप उस पर साइट पर डालें। इसके मतलब जो क्लासेस का जो बना हुआ है, क्लासेस का जो बना हुआ है ग्रुप, उस ग्रुप पे लिख के पूछ सकते हैं। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट इज़ एरर्स इन फर्टिलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये यहाँ से पढ़ के ये कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासेस हैं अपनी क्लीवेज और उनको हम आगे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।